प्रॉफिट की गेम 80% है। 80% एक रुपए माल के सानू 20 पैसे गवर्नमेंट 20 पैसे का माल होंगे 80 पैसे सारे साढ़े। अच्छा 1+1 करने डर गई है सानू। इन्नी कमाई कि इन्नी कमाई एवं कि इन्होंने ऐसी चाल चली थानू 20 का माल है कि जिन्हें मर्जी बेचो सानू फिक्स इन्ने पैसे साढ़े तो इन्हें 253 करोड़ लगे। जाओ तू जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो एक बंदे। अच्छा साल का 253 नहीं ए तो मिनिमम साढ़ा है बाकी तो भैन जो 500 करोड़ लिया साढ़े तो सब तो घाटा का क्यों गल असी 20 टेंडर च बने से सब तो छोटे से ले ले बाकी दो सौ टेंडर बने उन्हें महंगे मिले लेने पे असि जो टेंडर भरे से ना कच्ची कॉलोनियों भरे से जितनी दुकान सस्ती होंगी डिफेंस कॉलोनी सब और डिफेंस भी मेन रोड है ना इस पास डिफेंस कॉलोनी है उसकी दुकान है 200 रुपये फुट इस पास कोटला उसे 90 रुपये फुट गांव के भैन को सड़क टप के अंदर उसे चला जाता है पर टेंडर लैन वाले का बेड़ा करक हो गया। असि दुकाना जीडिया लिया ना जान के असि कच्ची कॉलोनियों दुकान लिया जितनी सब दुकान सस्ती मिलेगी लेकिन सेल तो सस्ते ब्रांड होगी सस्ते ब्रांड दुकान मिल जाएंगे माल 20 पैसे का अस 40 रुपये 80 रुपये कई लोग 1+1 दे रहे कई 2 ना लिखा दे रहे 1+2 भी दे रहे मैं कह 2 दे रहे माल तो 20 पैसे है। पहले इन्नी कमाई होंगी सी सर इन्नी पैसे पहले 70 पहले 20 रुपए का माल हों 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे 10 रुपए साढ़े होंगे। अच्छा हूं गवर्नमेंट ने की किया है 20 रुपए का माल लो जो मर्जी करो सानू फिक्स कि देंगे टोटल सेल फिक्स करना जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलिए ना सानू महीने 10 लाख देना तुम भैन चो जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो। अच्छा फिक्स अमाउंट कर लेना हाँ एक्साइज फिक्स कर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫਿਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਤੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ ਅਭੀ 150 ਕਰੋੜ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ब्लैकलिस्ट वालों को बुला के दिए जबकि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट गया 150 वाले ने देता और कहता 250 वाला जो ब्लैकलिस्ट कर अपने बंदों को कमाई कराई नहीं नहीं अपने बंदों को नहीं जी वो तो वो बंदे जो इनको दें इनके विश्वास पात्र हों ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿਲੀਓ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਉਹਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਆ ਖੇਲ ਤੇ 12% ਜਨਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ विचोले अंदर ने जो दिता है तुसी तां विचोलिया नूं ही दिता होगा ना सर असीं विचोलिया नूं क्यों देंगे और साडा जो सैटल हो गई 6% जो आएगा तो ले जाने
आसान करना समझो है, 6% देना भी आसान नहीं थी। सुन लो, आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का, 12 करोड़ रुपया तुम्हें कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके कैसे दूंगा दस छोटे। हाँ वही होते दिक्कत सी सर, 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो मैं, हम तो काला देना को कर नोट उदे थोड़ी पैने दे देंगे। अच्छा जी भाई, एक कंपनी 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई ढल वगैरह जो अमन ढल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिटेगा नहीं, पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी, केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी वो सारे दिन पे आ गए, हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको, ये बार मरवास तो लिखा है जी। मैं कहा जी मैं दूसरे चाचा हूँ मुझे